हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि बच्चों को अल्फ़ाबेट्स लिखना कैसे सिखाया जाए। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने अल्फ़ाबेट्स लिख रखे हैं ए टू जी तक। अब इसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि सबसे पहले सबसे ईजी अल्फ़ाबेट कौन सा है। जनरली हम बच्चे को सिखाते हैं जब वो लिखना स्टार्ट करता है स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, सबसे पहले हम लोग ये सिखाते हैं। तो अब हम ऐसे अल्फ़ाबेट्स ढूंढते हैं जो सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग से बने हैं, जैसे ई एफ H, L, T एंड I। ये कुछ ऐसे अल्फाबेट्स होते हैं जो सिर्फ स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बनते हैं। तो हम सबसे पहले बच्चे को यही लिखना सिखाएंगे। A से स्टार्ट कभी मत कीजिएगा क्योंकि वो थोड़ा सा टफ होता है। उसके बाद B, C, D बच्चे के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हमें स्टार्ट करना है सबसे ईजी अल्फाबेट से। तो हम स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बने हुए अल्फाबेट्स को चूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ई लिखना सिखाने के लिए हमें बच्चे को क्या बोलना है, स्टैंडिंग लाइन और तीन स्लीपिंग लाइन बनाने के लिए बताएंगे उसे, 1, 2, 3। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि बच्चों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं ये प्लेन शीट्स। तो बच्चे को जब भी लिखना सिखाएं हमेशा प्लेन शीट से स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है बच्चे के लिए कि आपने इतना छोटा लिखना है या इतना बड़ा लिखना है। ई की बीच की लाइन यहाँ से होनी चाहिए थी कि यहाँ से होनी चाहिए थी। तो हमेशा स्टार्ट करें प्लेन पेजेस से। बच्चे को जब आप सिखा रहे हैं तो कोशिश यही करनी है कि बच्चे को खुद बनाने दीजिए, और इस बात की बाउंडेशन मत रखिए कि आपने इधर लाइन क्यों बनाई है, ये तो बीच में होती है। हमें ये बनाते वक्त सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, हम बच्चे को परफेक्ट नहीं बना रहे हैं। अभी परफेक्ट बनाने के लिए वो प्रैक्टिस करेगा तभी बन पाएगा। अभी हम सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम उसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो ई लिखने के लिए हमने क्या किया, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइंस बनाई है। जब बच्चे को ये क्लियर हो जाएगा तब हम नेक्स्ट अल्फाबेट पे आएंगे, एफ, स्टैंडिंग लाइन और टू स्लीपिंग लाइन। अगर हम उसको ये समझाएं कि भाई एफ में तो टू स्लीपिंग लाइन होती हैं और ई में थ्री स्लीपिंग लाइन होती हैं, तो हम एफ को ई भी बना सकते हैं, तो वो और इंटरेस्ट लेगा। कोशिश हमें यही करनी है कि बच्चे को हर तरीके से फन वे में हमें पढ़ाने की कोशिश करनी है, फोर्स करके बिल्कुल नहीं करना है। कभी भी ये मत सोचिए कि बच्चे ने बिल्कुल परफेक्ट एफ नहीं बनाया, परफेक्ट ई नहीं बनाया तो हम उसको डांटने लगे। बच्चा अभी सीख रहा है, सीखते वक्त बच्चा कुछ भी बना सकता है, बस उसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एफ के बाद नंबर आता है एच, टू स्टैंडिंग लाइन्स एंड वन स्लीपिंग लाइन, टू स्टैंडिंग लाइन्स एंड वन स्लीपिंग लाइन। अब देखिए मैंने बनाया एच इस तरीके से, टू स्टैंडिंग लाइन बना के स्लीपिंग लाइन। अब आप बच्चे को बोल सकते हैं भाई इस तरीके से बनाओ या इस तरीके से बनाओ, बनना एच ही है, तो वो ऐसे बनाया जाए या ऐसे बनाया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को ये मत फोर्स कीजिए कि मैंने तो ऐसे बनाया था तो आपने ऐसे क्यों बनाया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चे को समझ आ गया है कि ये एच है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एच के बाद नंबर आता है आई का, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। आई, ये है आई, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, आई। इसके बाद हम लेंगे एल, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, एल, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, एल। इसके बाद आएगा टी, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। नॉर्मली जब मैंने अपने बच्चे को पढ़ना शुरू करवाया था या जब भी मैं देखती हूँ बच्चों को स्टार्ट कराने के लिए, तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूँ टी और एल, क्योंकि ये सबसे इजी वर्ड्स हैं लिखने के लिए। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, बहुत ईजी वर्ड्स हैं ये। तो स्टार्ट हमेशा ईजी वर्ड से ही करेंगे हम, एल और टी। अब देखिए, अब मेरे अल्फ़ाबेट्स के सारे स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन के अल्फ़ाबेट्स मैंने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम आएंगे ऐसे अल्फाबेट्स में जिसमें आता है zigzag, A, K, M, N, V, W, X एंड Y। इस तरीके के अल्फाबेट्स में आता है zigzag। कोशिश हम ये करेंगे कि जब हम बच्चे को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सिखाते हैं, स्टार्टिंग में ही हम बच्चे को कुछ चीज़ें पहले प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, zigzag, इस तरीके से बच्चे को बनाने के लिए देंगे, और देंगे उसे हम कर्व बनाने के लिए, इस तरीके से उसे बनाने के लिए खुद देंगे।
स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, जिगजैग और कर्व। अब कर्व ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकते हैं, कैसे भी कर्व हो सकते हैं। तो इनकी पहले हम प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों से, ताकि वो अल्फाबेट्स आराम से लिख सके। अब हम ए लिखना सीखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जिग जैग, एक बड़ा सा जिग जैग बनाएंगे और बनाएंगे हम स्लीपिंग लाइन। जिग जैग को एक को हम सिंपली स्लांटिंग लाइन भी बोलते हैं। स्लांटिंग लाइन इस तरीके से बनती है, जैसे स्टैंडिंग लाइन सीधी होती है, स्लीपिंग लाइन ऐसे होती है, स्लांटिंग लाइन बनती है ऐसे और ऐसे। तो इसे हम लोग नॉर्मली ऐसे भी बोल सकते हैं, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। मैंने अपनी बेटी को जब सिखाया था, मैंने उसे बोलता जिग जैग, ये बनाने में उसे ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो उसने जिग जैग बोल के जल्दी बनाना सीखा था। ए के बाद हम लोग लिखना सीखेंगे के। के लिए मैं करूँगी स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन, इस तरीके से भी बोल सकती हूँ, या हम बोल सकते हैं स्टैंडिंग लाइन और जिग जैग, कुछ भी बोलिए, बनना के ही है, तो कैसे भी बनवा सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, इस तरीके से बोल सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चे को ये बात के लिए कभी फोर्स मत कीजिए कि भाई आपने ये यहीं पे बनाना था, आपने ये नीचे क्यों बना दिया, ये ऊपर क्यों बना दिया। आप देख सकते हैं मैंने तीन के बनाए हैं और तीनों एक जैसे नहीं है, तो हम बच्चे को क्यों फोर्स कर रहे हैं जब हम ही इतने बड़े होकर एक जैसे नहीं बना पा रहे। तो इसलिए बच्चे को कभी फोर्स मत कीजिए, बच्चे को सीखने दीजिए, अभी उसकी सीखने का टाइम चल रहा है, परफेक्शन उसमें आएगा जब वो बहुत प्रैक्टिस कर लेगा, तो इतनी टेंशन मत लीजिए। के बाद नंबर आता है एम, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, इस तरीके से बना सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन, जिग जैग बोलिए और फिर स्टैंडिंग लाइन बोलिए, एम बन जाएगा। एम, एम के बाद आएगा एन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन। जब भी हम उसे अल्फाबेट लिखना सिखाएंगे, कोशिश हमें यही करनी है कि एक दिन में मैक्सिमम दो अल्फाबेट्स उसे इंट्रोड्यूस करवाएं। एक दिन में सारे सिखाने की कोशिश मत कीजिए, एक दिन में सारे स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन वाले सिखाने की कोशिश मत कीजिए, बच्चा बहुत जल्दी कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो मैक्सिमम हम एक दिन में दो ही इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जब आपको लगे वो दो उसको क्लियर हो गए हैं, हो सकता है उसको एक दिन में ही क्लियर हो जाए, और हो सकता है उसको उसे क्लियर करने के लिए कम से कम दो या तीन दिन लग जाए। तो जब तक उसे पुराने दो अल्फाबेट्स क्लियर ना हो जाए, उसे अगले दो अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस मत कराइए, वरना बच्चे को कुछ नहीं आएगा, उसके दिमाग में खिचड़ी बनती रहेगी बस। एन के बाद हम लोग लेंगे वी। वी बहुत सिंपल है, जिग जैग, जिग जैग, नहीं तो स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कुछ भी बोल सकते हैं, वी, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन या जिग जैग, जिग जैग। अब आएगा W, W के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन, या फिर हम बोल सकते हैं जिग जैग, जिग जैग, कुछ भी बोल सकते हैं, ये बन जाएगा हमारा W। W के बाद नंबर आता है X का। X के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक स्लांटिंग लाइन और दूसरी स्लांटिंग लाइन क्रॉस कर देना है, स्लांटिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन। तो ये इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी बन सकता है, स्लांटिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन, टू स्लांटिंग लाइंस बनानी है हमने एक्स बनाने के लिए। अब इसके बाद हम लिखेंगे वाई। वाई के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले वी बनाया था वो बना लेंगे जिगजैग करके और बीच में से बना देंगे स्टैंडिंग लाइन, बन गया वाई। अब कुछ लोग इस तरीके से वाई बनाते हैं, तो दोनों तरीके से बन सकता है, कई जगह पे इस तरीके से, कई स्कूल्स में इस तरीके से सिखाया जाता है, कई स्कूल्स में इस तरीके से सिखाया जाता है। इसमें मैंने बनाया स्लीपिंग लाइन, सॉरी स्लांटिंग लाइन और स्लांटिंग लाइन, इसमें हमने बनाया था जिगजैग या बोलिए स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन वाई। इसके बाद लिखते हैं जी, जी। अब आप बोलेंगे जी क्या है, कई स्कूल्स में जी बोला जाता है, कई स्कूल्स में बोला जाता है जेड, तो बनाएंगे हम इसको स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। तो मैंने क्या बनाया, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, इस तरीके से मैंने बनाया है जेड या बोलिए जी, स्लीपिंग, स्लांटिंग, स्लीपिंग। तो अब जब मेरे अल्फाबेट्स में देखिए, मेरे स्टैंडिंग स्लीपिंग वाले अल्फाबेट्स भी हो गए
और ये मेरे स्लांटिंग लाइन वाले या जिगजैग वाले कहिए, वो भी हो गए। अब जो बचे हैं ये बचे हैं मेरे कर्व वाले, जिनमें हैं कर्व्स। अब इनको बनवाने से पहले मुझे क्लियर करना पड़ेगा बच्चे को कि कर्व कैसे बनते हैं। ये जो मेरे सेल, ये जो मैं अभी स्क्वायर बना रही हूँ, इनमें बनते हैं कर्व। अब देखिए कर्व जो होता है वो बनता है इस तरीके से। बच्चे को जब तक हम कर्व बनाना नहीं सिखाएंगे तब तक हम उसको बी या सी या डी लिखना नहीं सिखा सकते। तो पहले ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। स्टैंडिंग स्लीपिंग वाले अल्फाबेट सिखा रहे हैं तो पहले उसे स्टैंडिंग स्लीपिंग क्लियर करना ज़रूरी है। सीधे बी, सीधे हम ई या एफ लिखना नहीं सिखाएंगे। तो अब देखिए कर्व इस तरीके से ही बनते हैं, इस तरीके से ही बन सकता है। तो पहले हमें बच्चे को कर्व की प्रैक्टिस करवानी है, इस तरीके से या इस तरीके से। जब बच्चा कर्व बनाने में परफेक्ट हो जाए, यह समझ लीजिए उसे समझ आ जाए कि कर्व कैसे बनाना है, तब हम लोग उसे ये कर्व वाले अल्फाबेट इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे बी स्टैंडिंग लाइन, अब इसमें मैं बनाऊंगी टू कर्व, वन और टू। इस तरीके से मैंने टू कर्व बनाए। अब टू कर्व में एक बड़ा भी हो सकता है और एक छोटा भी हो सकता है। इसके लिए बच्चे को डांट तो नहीं पड़नी चाहिए ना, उसे पता तो है कि टू कर्व बनने, तो डांटिए मत बच्चे को। बच्चे को एनकरेज जरूर कीजिए, डांटिए मत। जब हम बच्चे को नया नया पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसको एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, उसको डांटने की ज़रूरत नहीं है। तो बी लिखने के लिए हमें उसको ये बोलना है कि टू कर्व बनाओ। अब एक छोटा, एक बड़ा, या एक कौन सा, कैसा बना दिया तुमने, ये तो तुमने गलत कर दिया, मैंने तो तुम्हें सही बना के दिया था। इस तरीके से उसको मत बोलिए, उसे बस इतना क्लियर कीजिए कि बेटा आपने बनाया बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इस तरीके से हम उसको बोलेंगे। ये हो गया है बी, हमने क्या किया, स्टैंडिंग लाइन और टू कर्व बनाए। सी, सी के लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा कर्व बना देंगे इस तरीके से। ये बन गया सी। सी, सी के लिए हमने बनाया एक कर्व। अब हम बनाएंगे डी। डी कैसे बनेगा, स्टैंडिंग लाइन और इसके लिए हम बनाएंगे एक कर्व। जैसे बी के लिए हमने टू कर्व बनाए थे, बच्चे को दिखाएंगे कि बी वो होता है जिसमें टू कर्व बनते हैं और डी वो होता है जिसमें एक कर्व बनता है। कई बच्चों को कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है एम और डब्ल्यू में, क्योंकि वो एक जैसे दिखते हैं, और बी और डी में। तो जब हमें कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाती है तो हमें ऐसे ही क्लियर करना पड़ता है कि देखो बी में टू सर्कल्स होते हैं, टू कर्व्स होते हैं सॉरी, और डी में सिर्फ एक कर्व है। तो इस तरीके से हमें बच्चे को क्लियर करना पड़ेगा। ये हो गया है डी, स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व हमने बनाया। ये हो गया है डी। इसके बाद हम लोग जी लिखना सीखेंगे। जी के लिए हम क्या करेंगे, सी की तरह पहले एक कर्व बनाएंगे और इस तरीके से यू, जी जी इस तरीके से कर्व बना के पहले मैंने बनाई स्लीपिंग लाइन और छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, जी। इसके बाद नंबर आता है ओ। ओ के लिए हम क्या बनाएंगे, सर्कल। ओके लिए मैंने बनाया सर्कल। इसी तरह मैं पी बनाऊंगी, स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व। पी और बी भी बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि बी में तो इस तरीके से दो कर्व बने थे, पी में एक कर्व बना है। तो ये हमें उनको दिखा के साथ में फोटो को क्लियर करना पड़ेगा, मतलब इस पिक्चर को मुझे दिखाना पड़ेगा कि देखो पी में तो एक कर्व है, बी में दो कर्व है, तो ये डिफरेंस है पी और बी में। अब क्यू बनाना सीखते हैं। क्यू के लिए हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे और एक स्लांटिंग लाइन बना देंगे, सर्कल और स्लांटिंग लाइन। इसके बाद नंबर आता है आर, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। अब ये बन गया पी। अब बच्चा बोलेगा ये तो आपने पी बना दिया, पर हम क्या करेंगे, स्लांटिंग लाइन बनाएंगे, तो बन गया आर। तो बच्चे को हमें ऐसे ही बताना है कि देखो पहले पी लिखेंगे और फिर हम बना देंगे एक स्लांटिंग लाइन, तो बन जाएगा। के बाद नंबर आता है एस का। एस के लिए हम क्या करेंगे, एक कर्व ऐसे बनाएंगे और दूसरा कर्व इस तरीके से। तो हमने टू कर्व्स यूज करे हैं, बट एक इस तरह और दूसरा इस तरह। तो एस बनाना बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसके लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। एक कर्व और दूसरा कर्व, इस तरीके से हम उसे एस बनाना सिखाएंगे। एस के बाद नंबर आता है यू का। यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कर्व बनाएंगे ऊपर की तरफ, यू। यू के लिए हमने क्या किया, एक कर्व बनाया ऊपर की तरफ। तो जब हमारे सारे अल्फाबेट्स पूरे हो जाएंगे
प्लेन पेजेस पे, इसके बाद हम लोग बच्चे को लिखना सिखाएंगे बिग बॉस बॉक्स कॉपी में, इसमें हम लिखना सिखाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चा आसानी से बड़े बड़े अक्षर लिखना सीख पाएगा। छोटे साइज की कॉपी में दिक्कत यही होती है कि बच्चा बहुत छोटा लिख नहीं पाता है और मम्मी से डांट खाता रहता है, तो इसलिए बिग बॉक्स कॉपी बच्चे को दीजिए जब बच्चे को अल्फाबेट्स लिखने आ जाए तो। अगर बच्चे को नहीं आते हैं तो हम उसको इस तरीके से डॉट बना के दे सकते हैं, जैसे मैंने टी का डॉट बना के दे दिया और एल का डॉट बना के दे दिया जब बच्चे को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस तरीके से उसे डॉट बना के दे दीजिए, बोलिए इन्हें ट्रेस करने के लिए, तो बच्चा इन्हें ट्रेस करके भी लिखना सीख सकता है इस तरीके से। एल टी जो भी अल्फ़ाबेट आप लिखना सिखा रहे हैं उसको इस तरीके से उसे ट्रेस करने के लिए दे दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।